सो वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। एंड शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा कि यार सुबह का व्लॉग तो रोज़ बनाते हैं, लेकिन आज जो है शाम का व्लॉग बनाते हैं। और जो है इनको अभी मैं सारों को शाम का टाइम खोलता हूँ, तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में शाम के टाइम इन सबको दिखा दूँ। तो अभी मैं लेके आया था इनके लिए खाने के लिए चावल, और जो है अभी इनको सबको खोलते हैं। और जो है शाम के टाइम का मौसम जो तो यार अच्छा है, और जो है बादल वगैरह हो रहे हैं, अच्छा मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं शाम के टाइम। लेकिन सुबह यही बहुत धूप हो रही होती है, यहाँ पे तपिश होती है। अभी जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ से प्लेट, और इसमें चावल वगैरह डालेंगे और इनको खिलाने के लिए। तो चावल ये आ गए हैं प्लेट के अंदर, और अब जो है मैं इनको यहाँ रख देता हूँ चावल को, और इनको अब सारों को खोल लेता हूँ। सबसे पहले मैं खोलता हूँ इनको, तो ये सारे खुल गए हैं, आ जाओ भाई। तो ये इनको दिख गए थे चावल, और ये चावल की तरफ दौड़ गए। अभी मैं खोल लेता हूँ इनको भी, तो ये भी अभी बाहर आ जाएंगे। इनका गेट बंद कर देता हूँ, अभी मैं इनको भी खोलूँगा। और आज यार हमारी मुर्गी ने अंडा बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन कल अंडा दिया हुआ था तो आज नहीं दिया। चलो क्या पता सुबह दे दे, क्या पता कल दे। तो अभी मैं अपने इनको खोल लेता हूँ। ये आ गए बाहर, एक आ गई, अभी मुर्गा भी आ जाएगा बाहर। तो अब जो है ये मुर्गा भी आ गया है बाहर, ये सारे तो आ गए। अब जो है मैं इनको उस फार्मी को भी खोल लेता हूँ, वो भी जो है ये खा लेंगे। तो अभी ये खा रहे हैं असील वाले, अभी इनको भी खोल लेता हूँ फार्मी वालों को अपने। लेकिन यार इनको जो है मुझे देख के खोलना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन गेट खुला रहा था तो ये बटेर होड़ के और चले गई थी, लेकिन पकड़ में आ गई थी फिर बाद में। तो अभी मैं सिर्फ फार्मी को खोलूँगा थोड़े से गेट में। ये आ गए सारे फार्मी। तो यार ये आने के साथ ना मेरे पाँवों पर पता नहीं क्या करते हैं ये सारे, मतलब मेरे पाँव पर चौंचे मारने लग जाते हैं। तो अभी इनको मैं वहाँ पर लेके आता हूँ। ओ माय गॉड, एक चूज़ा यहाँ आ गया, ये देखो इसके काम, यहाँ से आए ये यहाँ से। तो इसको अब इस गेट से निकालना पड़ेगा, मतलब ये बोल रहा था कि मुझे इस गेट से निकालो। तो ये भी आ गया, अब कर देता हूँ गेट बंद, और अब जो इनको ये खाने के लिए बुला लेता हूँ। तो फाइनली ये सारे आ गए हैं, और अब इन्होंने चावल देख लिए, और अब ये खा लेंगे खुद ही। थोड़ी प्लेट को यहाँ कर देता हूँ, ये खाओ ना चावल, खाओ चावल, ये खाओ, ये छोटू ये खाओ। तो फाइनली अब जो है सारे खा रहे हैं, इन्होंने सपने देख लिया, ये असील वाले भी खा रहे हैं और ये भी खा रहे हैं सारे। लेकिन अभी मैं इनको चीनी को नहीं खोल रहा, और बटेर को भी नहीं खोल रहा, बटेर उड़ जाएंगे और चीनी जो है खाएंगे नहीं, लेकिन इन सबको भी नहीं खाने देंगे, सबको भी तंग करेंगे और ख़ुद भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैं चीनी को खोल नहीं रहा, अभी चीनी को हम बाद में खिला देंगे। अभी जो है इनको खोला हुआ है, और ये खुद भी खा लेते हैं और इनको भी खाने देते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं। लेकिन चीनी वाले जो हैं वो तंग करते रहते हैं इस वजह से। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि यार मैं जो है मिट्टी ले आया हूँ, ये देखें मिट्टी आ गई है, और ब्लॉक भी तैयार है। बस जो है यार अब मेहनत चाहिए पिंजरा बनाने के लिए, और कुछ नहीं, क्योंकि सारा सामान तैयार है, बस जो है अब इस कंप्लीट करना है इस पिंजरे को। तो यार वो लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, और अब मैं दिखाता हूँ आपको चीनी मुर्गे की और अपने असील मुर्गे की लड़ाई। तो आप खोलते हैं चीनी वाले मुर्गे मुर्गी को बाहर, और पिंजरे से निकालते हैं उनको, फिर देखते हैं उनकी लड़ाई में दिखाता हूँ। क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि इन्होंने खा लिया पी लिया, और छोटे वाले फार्मी ने भी खा लिया और असील ने भी खा लिया था। तो मैंने सोचा कि अब इनको निकालते हैं, तो अब जो है ये तंग भी करेंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। तो अब मैं इनको खोलता हूँ और इनकी लड़ाई दिखाता हूँ मैं किस तरह से ये लड़ते हैं। ये मुर्गा तंग करता रहेगा, और जो है ये मुर्गा तंग करेगा और वो असील को गुस्सा आएगा। वो देखें शुरुआत स्टार्ट हो गई है इनकी लड़ाई, ये देखें अभी ये तंग करेगा इसको, तो फिर ये देखना कैसा पिटेगा। अभी ये सबको तंग करेगा, तो मैं बैठ के यहाँ बैठ के फिर दिखाता हूँ। ये देखें अभी से फिर स्टार्ट कर दिया इसने लड़ाई, ये तंग करता है सबको, छेड़ता है, ये देखते रहना अभी सीन क्या होने वाला है। ये देखें मुर्गा जो है ये चीनी वाले मुर्गे के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसको मारने के लिए असील मुर्गे को ना गुस्सा आता है, क्योंकि यार वो तंग करता है सबको, छोटे छोटे चूज़ों को भी ना छेड़ता रहेगा। तो अभी ये फिर छेड़ने आएगा, देखना अभी अभी ये देखते रहना, इसको पता है आएगा ये, और ये आया, ये आया, ये देखें उन वाले मुर्गों को छेड़ रहा, अब छोटे वालों को। इसको पिंजरे से बाहर निकालो ना, किसी ना किसी को छेड़ता है। तो ये बड़े वाले असील को जो है गुस्सा आता है, ये बोलता है यार ये इस तरह से क्यों कर रहा है। तो फिर ये मारता है उसको चीनी वाले को, अभी देखना, ये देखो ये भागा उसके पीछे, ये अब यहाँ से जाएगा छेड़ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये फिर हो गया।
इसको अभी जगह नहीं मिल रही क्योंकि यार ये वहाँ पे ना सामान वगैरह है, तो इस वजह से ये सही से भाग नहीं पा रहे थे। तो ये पूरी खुली छत पे जो है ना इतनी ज़ोर से ये भागते हैं एक दूसरे के पीछे मारने के लिए, तो अभी लड़ाई सही हो नहीं पा रही। ये देखो वही छोटे वाले फायरमैन चूजे को अभी इसने मारा, वो चिल्लाया बेचारा। तो अभी बड़े वाले से लड़ेगा तो ये पिटेगा, इससे अभी लड़ता भी नहीं है, बहुत कम लड़ाई कर दी इसने।